आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नैन भाभी। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है भाभी? आज हम बनाने वाले हैं शीर कौरमा। ठीक है, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक आप सब लोगों को। और जो है ये हमने जो है 1.5 लीटर दूध लिया है हमने ये। ठीक है, और ये जो है ना 1 गिलास हमने ये चीनी ली है। ठीक है, और मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और ये 2 पैकेट हमने सेवई लिए जिसको हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा चूरा कर लिया है। ठीक है, और जो है ये हमने लिए हैं 1/2 कप हमने जो है चुआरा लिया है जिसको हमने कटिंग कर लिया इस तरह गोल गोल। हाँ, और आधा ही हमने जो है खोपरा लिया तो उसको भी हमने इस तरह कटिंग कर लिया। ये हमने चंद दाने बादाम के लिए हैं, और ये हमने जो है 3 से 4 अखरोट लिए थे उसका भी सारा दिमाग निकाल लिया है हमने। और ये 1/2 कप हमने जो है ना किशमिश ली है, और ये हमने जो है चरौंजी ली है 3 से 4 चम्मच खाने की। अच्छा, वो बादाम और अखरोट के बीच में कुछ है? ओ, इलायची है। हाँ। जो दिख नहीं रही, ये हमने 4 से 5 इलायची ली है। देखिए दूध हमने चढ़ा दिया है बॉयल आने के लिए। जब तक ये दूध में बॉयल आता है हमने जो ड्राई फ्रूट लिए है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। खाने का 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला है, इसमें हम जो है ये डालेंगे खोपरा, उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हमने डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें जो है ये डालेंगे या खजूर, क्या होता है ये छुआरा, खजूर जो भी कह लें। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे इसके साथ। खजूर आई थिंक वो होता है वो जो हमने रमजानों में होता है जिससे बोला है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? एक सूख जाता है और एक जाता है, वो थोड़ा सा मजे का होता है। अच्छा, वो मजे का होता है ना। अब हम इसमें जो है ये बादाम और ये अखरोट जो लिया था वो भी डाल दिया हमने, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करके आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, इसको आपको डालना है शीर कौरमे में। और इसको आप बहुत हल्की आंच पर फ्राई करिएगा वरना ये जल जाए। अभी खा सकते हैं, आपको नहीं पता ना? हाँ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पता। क्या होती है चिरौंजी? हाँ, डाल दिए इसको कर लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें जो है किशमिश डालेंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद खा लेंगे। खा लेंगे, सही है। नहीं खाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा? टेस्ट किए बगैर पता ही नहीं लगता। आप जब इसको शीर कौरमे में डालेंगे ना फिर खाएंगे तो आपको जो है बहुत मजे का लगेगा। फिर आपको पता चलेगा कितने मजे का होता है। आप नहीं करवाएंगे, सही है। बहुत ही जालिम भाभी है मेरी। ये जो है अच्छे से फ्राई हो गए सारे ड्राई फ्रूट, अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए दूध में भी हमारा बॉयल आने वाला है। और अब हम इसके साथ ही इसमें जो है चीनी ऐड कर देंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 3 से 4 इलायची ऐड कर देंगे जिसको हमने बीच में से खोल लिया था ताकि उसके दाने बाहर आ जाएं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आए। हाँ, और आप जब शीर कौरमा खाएं तो उसके अंदर जब मुंह में दाने आए तो अजीब सा टेस्ट है, ऐसा ही है ना? जिसको उसका टेस्ट अच्छा लगता है वो तो खा जाएगा और जिसको नहीं लगता वो फेंक देगा वो फिर पूरा। चलें, आप जब तक ये चीनी के साथ दूध अच्छे से पकता है हम थोड़ा सा सेवइयों को फ्राई कर लेते हैं। इसमें हमने खाने के 2 चम्मच जो है घी डाला है, और जो बाकी हरी इलायची बच गई थी उसको भी हमने बीच में से तोड़ के इसमें डाल दिया है। ये हो गई है हरी इलायची थोड़ी सी, अब इसमें जो हम सेवई ऐड कर देंगे और हम इसको भी भून लेंगे अच्छे से, और हल्की आँच पे भूनना है इसको भी। इसको भून के आप नहीं खाएं कोई मसला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये आप खा सकती हैं भून के। देखिए फ्राई हो रही है ये हल्की आँच पे, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करिएगा, अच्छे से गोल्डन हो जाए प्यारा सा। ये देखिए शेर के बाल लग रहे हैं। देखो तुम में इसमें मजे की लग रही होगी ना, कैसी खा लें ये भी? नहीं, लेकिन ऐसे नहीं लग रही, ये शेर के बाल लग रहे हैं, मैं एकदम देख रही थी। ये देखिए वाओ, क्या शाइनिंग वाली सेवइयां आपकी, आपकी सेवइयां तो शेर के बालों की तरह। ये देखिए हो गई अच्छे से फ्राई, अब हम सेवइयों में डाल देना। अब हम इसको दूध में डालेंगे, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए अब हम इसमें जो ये सेवई ऐड कर देंगे तैरते हुए मेवे में, अब हम सेवई ऐड करेंगे सारी। क्या हुआ, दूध का गुस्सा क्यों आ गया? सेवई डालते ही दूध का सलाव ऊपर आ गया। तैयार कब होगा ये? बस इसको हम जो है 5 से 6 मिनट पकाएंगे। देखिए तैयार है बिल्कुल, अब हम चूल्हा इसका ऑफ कर देंगे। ये देखिए तैयार है शीर कौरमा, बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। और जो है पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।